भाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया, आप लोग भी इमरजेंसी में जेल में थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इमरजेंसी एक काला दिन था ही, उसमें बहुत सी जातियां हुई, उस जातियों का भुक्तभोगी आम जन गरीब जन के लोग थे और उसका याद करना बहुत जरूरी था, काला दिवस के रूप में उसको पेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं कि एनडीए की सरकार है, उस संविधान पर खतरा है, तो चोर मचावे शोर की बात वो कर रहे हैं। इसे परलक्षित होता है कि साहब वो संविधान को हर तरह से खिलवाड़ किया, हर तरह से बिगाड़ किया और आज वो संविधान की दुहाई देते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी ने बहुत सुटेबली कहा है और आम जन को, भारत की जनता को ये समझना चाहिए कि आज संविधान का खतरा नहीं है, बल्कि यदि खतरा भी है तो वही लोगों से जो 1975 में किया था। नीट को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन सरकार ने कह दिया, सरकार हमारी संकल्पित है, जो नीट के दोषी करवाई, एकदम संकल्पित है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का अच्छा पालन कर रही सरकार और करेगी।